नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, देखिए आपको बता दूं कि ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रखा है। 25 है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आए ही क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी रेलवे, देखिए एसएससी रेलवे या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन इधर का दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। राइट आंसर बताइए। देखिए 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए नेतृत्व किसने किया था, याद रखिए मंगल पांडे ने। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे शुरुआत किसने की थी विद्रोह की, तो याद रखिए मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। और इसमें भाग किसने ने लिया था 1857 के विद्रोह में, तो याद रखिए भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह जी ने, बता दूं आपको कि इसमें भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा ठीक है। सभी क्रांतिकारियों ने लगभग भाग लिया था, तो आपको बता देता हूं। देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन इधर रखा है चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन सी दे रखा है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन सी डी दे रखा है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ कर दिया था उन्होंने, चर्बी वाले जो तोपे रहती थी या जो बंदूक रहती थी उसमें चर्बी का यूज करते थे, इसलिए याद रखिए चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग आरंभ कर दिया था, इस वजह से विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन सी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे ने ही, आपको बता दूं कि जो शुरुआत में विद्रोह किया था और इन्होंने ही चर्बी वाले कारतूतों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और इन्होंने, बता दूं कि ये विद्रोह का प्रारंभ भी इनकी वजह से हुआ था 1857, याद रखिए 1857 में ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था, कौन सी बटालियन से, याद रखिएगा। ऑप्शन इधर का 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी दे रखा है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, याद रखिएगा उन्होंने अकेले ही 1857 का विद्रोह का सूत्रपात किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित किस शहर से किया था? देखिए लगभग सभी ने अलग अलग शहर से किया था, तो राइट आंसर इसका बताइए। ऑप्शन ए दे रखा लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी दे रखा इलाहाबाद। राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा लखनऊ से, याद रखिए लखनऊ से। किसने नेतृत्व किया था, ये याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ने देखा डलहौजी, ऑप्शन बी केनिन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी लिटन। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केनिन, याद रखिए 1857 के समय विद्रोह के समय कौन गवर्नर था, केनिन था। और याद रखिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? देखिए सबसे पहले बलिदान किसने दिया था, ऑप्शन ए दे रखा कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी दे रखा है मंगल पांडे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे के द्वारा ही, याद रखिएगा सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की थी सबसे पहले, और कहाँ से की थी ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कहाँ से की थी, तो मेरठ से की थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? देखिए अगर कानपुर से पूछा जाए तो ऑप्शन ए दे रखा है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। अगर कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, याद रखिएगा तात्या टोपे। कानपुर से करने वाले कौन थे, तात्या टोपे, ये याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए दे रखा नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी दे रखा है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी दे रखा है बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का संगठन। याद रखिए विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम की एकता थी उस समय, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए रहेगा मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्ला। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वो मणिकर्णिका, याद रखिए। और इन्होंने कहां से नेतृत्व किया ये कमेंट में बताइएगा, नेतृत्व कहां से किया ये बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए दे रखा है नामधारी सिखों ने, ऑप्शन बी दे रखा है अलारी सिखों ने, ऑप्शन डी सी दे रखा है निरंकारी सिखों ने, ऑप्शन डी दे रखा है सैनिकों ने। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नामधारी सिखों के द्वारा पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ये याद रखिए सभी जगह अलग अलग विद्रोह किया था सभी ने, तो ये फैक्ट को आप याद रखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कि बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, याद रखिए कहां से बिहार से किया था, इनका देहांत कब हुआ था? ऑप्शन इधर रखा है 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858, ऑप्शन डी रखा है 20 जून 1858। राइट आंसर क्या बताइए? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था और इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया, इस फैक्ट को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है भारतीय, देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए देखा नवंबर 1857 56, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी देखा जनवरी 1857, ऑप्शन डी फरवरी 1857। देखिए याद रखिए यहाँ पर स्टार्ट जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी ये सब डेट आपको याद रखना पड़ेगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जनवरी 1857, क्या होगा? जनवरी 1857 को अंग्रेजों भारतीय सेना ने चरी वाले कारतूतों से चलने वाली एफील्ड राइफल का शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए देगा पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग, याद रखिएगा पील आयोग का संगठन था, याद रखिए भारतीय फौज से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए देखा मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मीर गालिब, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करने की वाली बात नहीं, आपको उसी पर रटना पड़ेगा इन सबको। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए देखा मौलवी इदानुल्लाह, ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फतेह हकत फेरावादी, ऑप्शन डी नवाब लिकायत अली। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन ए देखा नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मण लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कुमार सिंह। देखिए मैंने आपको बताया था कुमार सिंह के बारे में भी, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। और मैंने इसके बारे में बताया था इन्होंने कहां से बिहार से नेतृत्व किया था, और मैंने एक चीज और बताई थी कि बिहार इनका देहांत हुआ था, तो डेट बताइए किस डेट को हुआ था। और आपको बता दूं कि देखिए तात्या टोपे का मैंने कहां से बताया था? तात्या टोपे का कानपुर अधिवेशन, याद रखिएगा। नाना साहब का आप कमेंट में बताइएगा और लक्ष्मीबाई का आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए देखा खान बहादुर खान, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी रानी ए राम कुमारी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। देखिए मैंने अभी आपको बताया, मैं बार बार आपको चीजें रटा रहा हूं कि बिहार से किसने किया, कुंवर सिंह के द्वारा किया था। कानपुर से किसने किया था कमेंट बताइएगा, और लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की असहभागिता। राइट आंसर बताइए। देखिए आपको बता दूं कि ये कारण किस कारण से असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसमें संगठन की एक तरह से एकता नहीं थी, और एक बात बता दूं कि यहाँ पर मुख्यतः तुरंत समय पर योजना नहीं बनाई गई थी जो वो एक तरह से सटीक हो सके, इसलिए असफल रहा यह विद्रोह। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए दे रखा है जेम्स आउस्टम व डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी आर होम्सन ने। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आउस्टम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ही इस षड्यंत्र की संज्ञा दी थी उन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए खेतीकार मजदूर ने भाग नहीं लिया, साहूकार ने लिया, कृषक ने लिया, जमींदार ने किसने नहीं लिया। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए साहूकार के द्वारा नहीं लिया गया है और याद रखिए जमींदार के द्वारा, तो यहाँ खेतीहर के द्वारा लिया गया था और बात करेंगे कृषक के द्वारा लिया गया था, लेकिन 2 और 4 के द्वारा नहीं लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन है लाल केडिंग केनिंग के द्वारा, कान्नावालिस के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, विलियन बेटिंग के द्वारा। ये कोई भी आंसर बता दिएगा, छोटा सा बच्चा भी बता दिएगा, क्योंकि देखिए मैंने इसका राइट आंसर पहले ही बता दिया था 1857 के विद्रोह के बारे में। तो कौन गवर्नर था याद रखिएगा, केनिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है गडकरी विद्रोह 1844 का नेतृत्व था। ऑप्शन दे रखा है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी रखा सिलहट। राइट आंसर बताइए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कोल्हापुर, याद रखिए कोल्हापुर जो गडकरी विद्रोह पूछा जा सकता है, तो याद रखिए 1844 को हुआ था और ये कोल्हापुर के केंद्र था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था। ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बीरजीत, ऑप्शन डी दे रखा मौलवी अहमद शाह। राइट आंसर बताइए, देखिए बरेली विद्रोह की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर शाह। बरेली विद्रोह से किसने किया था, खान बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए दे रखा है तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी दे रखा है देखिए बहादुर शाह, द्वितीय जफर, ऑप्शन डी रखा भगत सिंह। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। याद रखिएगा भगत सिंह 1857 में भाग नहीं लिया था, भगत सिंह के द्वारा नहीं लिया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड जितने भी आईएमपी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 1857 की क्रांति से, वो मैंने सभी 25 प्लस क्वेश्चन लिए थे। आपको बता दूं ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहते हैं वो बताइएगा, जरूर बताइएगा फ्रेंड, और कमेंट जरूर करिएगा, भूलिए मत कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।